नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की तमाम बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। साथ ही साथ स्टार्टिंग में दो बड़ी खुशखबरी भी आपको देना चाहेंगे और तमाम बड़े सरकारी आदेश जो आप सबके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को सभी भाई बहन एक बार लाइक कर दें और ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों को अपनी बहनों तक भी शेयर जरूर करें। सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे अपना कीमती समय निकाल करके अपने लिए खबरें देख लिया करो। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं मानदेय के विषय में। तो जी हां दोस्तों, मानदेय आ चुका है, मानदेय के मैसेज भी हमारे पास आ चुके हैं। ये रहा मैसेज पहला, 5650 रुपया जो मानदेय ये आया है, ये 4 फरवरी को कल ही आया है। और ये कहां आया है? जिला पूर्णिया प्रखंड कस्बा में 1 माह का पैसा आया है। यानी बिहार की आंगनबाड़ी बहनों, आपके पूर्णिया प्रखंड में यह पैसा कल आया है 5650 रुपया। तो बिहार की बहनों, आप सबके लिए खुशखबरी है मानदेय की। कल 4 तारीख थी, 4 फरवरी को आपके वहां ऐसा 1 माह का आ गया है। अब बात करते हैं अगले राज्य के मानदेय की खुशखबरी के बारे में। यहां पर एक और राज्य में पैसा कल पहुंच चुका है और लिखा है आज 4 तारीख, यानी कल मैसेज मेरे पास ये लगा है जो है 4:30 बजे शाम के टाइम। तो इसमें लिखा है जनवरी का ये मानदेय है 10,000 रुपए, ये आ गया है। 10,000 रुपए कहां मिलते हैं? आप सबको पता है कहां मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश से मैसेज है भैया जी, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी सविता प्रजा पति बहन है और जिला वगैरह साथ छतरपुर वगैरह एमपी से हैं, उन्होंने ये भी एक मैसेज किया है। तो मध्य प्रदेश की बहनों और बिहार की बहनों, आपके वहां 1-1 माह का पैसा भेजा गया है। इन बहन ने ये भी क्लियर कर दिया कि इनका जनवरी का पैसा है, बाकी बिहार में 1 महीने का आया है, उसमें ये बहन ने नहीं बताया कि उनका किस महीने का आया है। फिलहाल मेरे पास लगभग 2 बहनों के मैसेज बिहार से भी आए हैं, 4 तारीख को उनके वहां पैसा सक्सेस हुआ है 1 महीने का। अब आगे चलते हैं अगली खबरों की तरफ, हम बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर आप सबके लिए लेकर के हम आ चुके हैं। यह खबर आप देखिए, पोषाहार में मिलेगा 45 चावल। जी हां दोस्तों, इस खबर को केवल हम आप लोगों को अखबारों की कटिंग में ही नहीं दिखाएंगे, इसका सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है और अभी सरकारी आदेश हम दिखाएंगे। पहले आपको बता दें योजना में बदलाव क्या हुआ है। अब दलिया, चना, दाल और सोयाबीन का तेल भी आपको दिया जाएगा। दूध और घी देने की जो सरकार की योजना है उसने दम तोड़ा है, अब वो पूरी नहीं हो पाएगी। फिलहाल आपको बता दें सरकार तो अनाज जैसे कि गेहूं और चावल और दाल, ये चीजें देने में भी जो है सक्षम नहीं रही है, इन चीजों का भी वितरण नहीं करवा पाई। अभी इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, आप लोगों को पूरा अंदाजा लग जाएगा। फिलहाल के लिए हम सरकारी आदेश की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखा करो वीडियो को और पूरा लास्ट तक देखा करो। मोबाइल को, चाहे आप बहनों खाना बना रही हो या कुछ भी काम कर रही हो, आप काम करते जाइए और मोबाइल को बस खबरें खोल करके रख दीजिए, काम आप करते जाएं और सुनते जाएं ध्यान से, आपको सारे जानकारियां मिलती रहेंगी कहां किन किन राज्यों में, आपके राज्यों में क्या सब चल रहा है। आगे बात करते हैं, 1 फरवरी का यह सरकारी आदेश देखिए, यह निदेशक ने जारी किया है, प्रबंध निदेशक वगैरह को नेफेड हाउस सिद्धार्थ जो है इनक्लेव वगैरह आश्रम चौक नई दिल्ली को गया है। इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रदेश की आंगनबाड़ी वगैरह के बहनों, मिनी बहनों, आप सबके केंद्रों के लिए है। तो लिखा है प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की व्यवस्था के संबंध में आया है। तो इसमें देखिए साफ तौर पर हम आपको बताते ताकि आपका समय बच जाए। तो दिनांक जो है 1 फरवरी 2021 द्वारा शासन को प्रेषित किए गए वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में, दलिया यानी गेहूं की दलिया आएगी, ठीक है, चावल 45 आएगा, चना जो है, दाल एवं 45 सरसों अथवा सोयाबीन का तेल आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को वितरित किए जाने के संबंध में यह एक आदेश निकला है। तो अब जो दूध था, जो घी था, वो आगे पीछे चला गया, उसको आप भूल जाइए। अब नए व्यवस्था के मुताबिक क्या आएगा, दलिया आएगी गेहूं की, चावल आएगा 45, चना दाल आएगी 45, सरसों अथवा सोयाबीन का तेल आएगा। ये चीजें हैं, सरसों का आए या सोयाबीन का तेल आए, चना दाल वगैरह आएगी, चावल आएगा, गेहूं आएगा, ये चीजें यहां पर रख दी गई हैं। तो फिलहाल के लिए आप सबको इसके बारे में अब रूबरू होने की जरूरत है। अब आगे देखना यह है कि जैसे सरकार ने पिछली व्यवस्था को लेकर के 3 महीने गुजार दिए,
बेचारे लाभार्थियों को उनका हक 3 महीने का छिन गया। अब बाल विकास पुष्टाहार विभाग के जो अधिकारी हैं निदेशालय के, उन्होंने ये 2 महीने का जो बजट है वो उसकी खानापूर्ति लाभार्थियों को कैसे कर पाएंगे, जहां पर ये 2 महीनों का पैसा 3 महीनों का बटा ही नहीं है, यानी राशन वासन बटा ही नहीं है, वहां का उन महीनों का पैसे के बारे में अब क्या होगा? या तो सरकार ने बचा लिया या फिर विभाग के जो है अधिकारियों ने बचा लिया। अब आप इन चीजों के बारे में भी तो रूबरू होना आपके लिए जरूरी है। अब यहां पर देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दलिया गेहूं, चावल, फोर्टिफाइड चना दाल एवं फोर्टिफाइड सरसों अथवा सोयाबीन का तेल नेफेड से परियोजना कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्राप्त कर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति कराते हुए वितरण कराने जाने का जो अनुमोदन प्रकरण की तत्कालिता के दृष्टिगत सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रदान किया गया है। तो अब आपको बता दें, ये चीजें कहां से आएंगी? ये चीजें परियोजना कार्यालय से आएंगी। देखो लिखा है ये नेफेड के द्वारा परियोजना कार्यालय पर आएंगी, और फिर परियोजना जो आपके कार्यालय है ब्लॉकों पर, वहां पर ऑफिसों से महिला जो स्वयं सहायता समूह वाली है, ये सब बहने जाकर के लेकर के अपना आएंगी और फिर क्या करेंगी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपको दे जाएंगी। ये चीजें फिर है और पहले भी वैसे ही सब सिस्टम था। अब आगे देखिए, नेफेड जो है वर्ष 2020-21 के चतुर्थ त्रैमास हेतु लाभार्थी श्रेणीवार सामग्री आपूर्ति निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं, ये सब चीजें दे दी गई है। अब एक बात शायद इसीलिए फिर से फील्डिंग दोबारा हो रही है, जो भी हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों में लाभार्थियों का हक और आंगनबाड़ी बहनों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ गई है इसी कच्चे राशन को लेकर। अब आगे बात करते हैं, माह फरवरी 2021 एवं त्रैमास का अवशेष जो गेहूं है वो जनपद स्तर पर उपलब्ध होने के कारण माह फरवरी 2021 में समायोजित वितरण किया जाएगा एवं चतुर्थ त्रैमास हेतु चावल का आवंटन भारत सरकार से अपेक्षित है तथा माह फरवरी 2021 के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सापेक्ष 2 उत्पाद चना दाल एवं फोर्टिफाइड सरसों अथवा सोयाबीन का तेल, इसकी आपूर्ति नेफेड द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अब इसमें ये चीजें बोल दी गई, अब देखते हैं ये क्या होता है, कब तक होता है, और तब तक सरकार विभाग जो है इन चीजों को लाभार्थियों को उनका हक नहीं पहुंचा पा रहा। फिलहाल जब तक योजना प्रस्तावित थी पुरानी वाली, उसका भी संचालन ठीक से हो नहीं पाया, तमाम महीनों का घपलेबाजी में चला गया। अब आगे आप देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में नेफेड द्वारा परियोजना कार्यालय स्तर पर उपरोक्त सामग्री एवं लाभार्थी वार पैकेट की आपूर्ति की जाएगी, जिसकी प्राप्ति बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की जाएगी, हस्ताक्षरित प्रति जो है प्रतिपूर्तिकर्ता को दी जाएगी, साथ ही SHG परियोजना कार्यालय में सामग्री प्राप्त कर आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगी, और शहरी क्षेत्र में नेफेड द्वारा सामग्री एवं लाभार्थी वार पैकेट सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीणों में क्या होगा, परियोजना कार्यालय में जाएंगे सारी चीजें जो भी ये सामान है कच्चे राशन वाला, उसके बाद फिर समूह वाले वहां से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आएंगे, और जो शहरी क्षेत्र है शहरी क्षेत्रों में सीधे जो नेफेड वाले हैं वो सीधा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आकर के दे देंगे, समूह का वहां पर झंझट नहीं बीच में रहेगा। लेकिन ग्रामीणों में समूह वाले परियोजना कार्यालय से लेकर के आएंगे, नेफेड वाले जो है, जो मान लीजिए कंपनी वाले, वो सीधा आपके परियोजना कार्यालय उपलब्ध कराएंगे। अब आगे देख लीजिएगा, ये उपलब्ध कराए गए पैकेट में गेहूं, चना, दाल, खाद्य तेल की लाभार्थी पैकेजिंग कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराएंगे। कौन? SHG वाले, जो भी आपके स्वयं सहायता समूह वाले हैं। अब शहरी क्षेत्र में यह कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा, और वहां पर जो है शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी बहनों को ही ये काम करने हैं पैकेजिंग वैकेजिंग के। अब आगे देखिए, माह जनवरी एवं मार्च 2021 के लिए आपको वितरण एवं पैकेजिंग संबंधी निर्देश पृथक से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अब जो है मार्च महीने का और माह जनवरी एवं मार्च 2021 के लिए जो भी चीजें होंगी उनके लिए क्या होगा, पैकेजिंग वगैरह अलग से इसके लिए आदेश आएंगे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे जैसे ही मेरे पास आदेश पहुंचेंगे। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजें बस ऐसे ही हैं, बाकी अब आगे चलते हैं, और भी आपको खबरें हमको इस वीडियो में दिखानी है और एक से बढ़कर एक दिखानी है। ये वाला लेटर था, सारिका मोहन निदेशक हैं आपकी उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश का ही मैटर था, स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था। इसके अलावा बात करते हैं, ये मैसेज जो आया है हमारे पास, इसे भेजा है हमारे पास शायद एक बहन ने लिखा, सूचना मिली देवरिया से एक बहन है रुद्रप्रयाग से, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। इनके अलावा नीतू जो है बहन है गाजियाबाद से, उन्होंने भी मुझे यही वाला सरकारी आदेश भेजा था, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं, ललितपुर वगैरह से आप देखिए, आंगनबाड़ी बहन है रामरति, और उन्होंने उनके वहां ट्रेनिंग हो रही है। उनके अलावा एक ये हमारे पास साथ कन्नौज नगर वगैरह से होंगी आंगनबाड़ी बहन, टीका वीका इनको लग गया और ये ठीक है, अच्छी बात है। एक और ये बहन है, इनके भी काफी वीडियो आपने सुधांशु पटेल चैनल पर देखे हैं, और इन्होंने अपना एक ये फोटो भेजा हुआ है,
इनके अलावा चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं कि ये बहन है सीमा यादव, बहन साकेत वगैरह से हैं। और इनके अलावा बात करते हैं अब एक जरूरी मुद्दे पर, ये हमारे पास सुनीता बहन ने जानकारी भेजी है, रजिस्टर वगैरह देखो स्कॉच वगैरह करके ऐसे सब चीजें लिखी हुई है, समस्त अधिकारी कर्मचारी ध्यान दें, और एक अवार्ड टाइप का है उसके लिए सब बोला जा रहा है, इसमें वोटिंग करवाई जा रही है, हम कम शब्दों में आपको बता रहे हैं। तो वोटिंग में क्या करना है, देखो भरने के लिए भी इसमें आता है, तो भरने के लिए कुछ ज्यादा खास इसमें है नहीं फिलहाल, इसमें देखो नाम की जगह नाम जो भी जहां पर लिखना है वो सब आप लोगों को जो लिख देना है और ऐसे आपको भर देना अगर आपके वहां करवाया जाए वोटिंग टाइप वाला। तो फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं और भी खबरें, जैसे अनीसा खातून बहन है उनके वहां ट्रेनिंग समाप्त हो गई है, वैक्सीन भी इन बहनों को लग गया है और इन्होंने सब चीजें मुझे भेजी हुई है। अब आगे चलते हैं अगले यहां पर जानकारी की तरफ, एक बहुत ही बड़ी जानकारी ऑल इंडिया चैनल पर आ चुकी है, उत्तराखंड राज्य में भी प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई, और यहां पर उत्तर प्रदेश की तरह नहीं चल रहा है, या उत्तर प्रदेश में 4 दिन का प्रशिक्षण आपने देखा है, लेकिन आपको बता दें उत्तराखंड में 10 दिन का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। और यहां पर देखिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को 10 दिन का प्रशिक्षण उत्तराखंड सरकार दे रही है, लेकिन एक बात यहां पर मैं फिर कहना चाहूंगा, जो नई शिक्षा नीति में नियम कायदे कानून थे 6 महीने की ट्रेनिंग का प्रावधान, वो मुझे कहीं भी किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला है। तो क्या सिर्फ 4 दिवसीय प्रशिक्षण या 10 दिवसीय प्रशिक्षण से आंगनबाड़ी बहनों की 6 माह की ट्रेनिंग और 6 माह का सर्टिफिकेट सरकार ने इनको मुहैया क्यों नहीं करवाया, अब आप खुद सोचिए। तो ये चीजें 4 दिवसीय प्रशिक्षण होती है तो 4 दिवसीय का ही सर्टिफिकेट मिलता है, हमें बहनों को चाहिए था नई शिक्षा नीति के तहत 6 माह का प्रशिक्षण और साथ ही 6 माह का सर्टिफिकेट, और उसके बाद सरकार इनके मानदेय वेतन के बारे में भी कुछ सोचती, जैसे प्री प्राइमरी कक्षाओं में जब बहनें पढ़ाएंगी। फिलहाल समय सारणी जो ये आई है बहनों उत्तराखंड से, इसमें देखो प्रथम सत्र और जो है यहां पर प्रथम सत्र वैसे करके द्वितीय सत्र, द्वितीय यहां पर लिखना चाहिए था, प्रथम यहां पर भी लिख गया, तृतीय सत्र ऐसे करके सब चीजें भेजी गई है। अब बात करते हैं इन चीजों को हम पढ़ करके तो बताएंगे नहीं कि कितने टाइम क्या होगा, क्योंकि लंबा मैटर हो जाएगा, हम इस पोस्ट को आपकी इस पोस्ट को बहनों अपने चैनल की कम्युनिटी में डाल देंगे। कहां पर डाल देंगे, चैनल की कम्युनिटी में डाल देंगे। चैनल पर जो पहुंचने के लिए आपको सर्च वाले ऑप्शन में यूट्यूब पर जाओ, वहां पर ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज लिखो, उस पर जाइए उसको खोल लीजिए, या वीडियो अगर आप देख रहे हैं ऑल इंडिया आंगनबाड़ी जहां पर लिखा होता सब्सक्राइब करने के लिए, तो वहां पर आप ऑल इंडिया पर टच करना, उसके बाद चैनल वाला पेज हमारा खुल जाएगा, चैनल में जाना, वीडियो पोर्शन, कम्युनिटी पोर्शन ऐसे करके सब प्लेलिस्ट पोर्शन ऐसे पोर्शन बने होते हैं, उसमें आप कम्युनिटी में जाना और कम्युनिटी में आपको ये चीजें डली हुई मिल जाएंगी, या ऐसे ही आप खोलेंगे अगर सब्सक्राइब होगा चैनल तो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। अब आगे बात करते हैं अगली खबर पर, ये देखिए अनुकर्मणी वगैरह विवरण वगैरह भी आ गया मेरे पास, यानी कि यहां पर देख लीजिएगा कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है, एक मेरे पास बुक टाइप की आई है छोटी सी, अब बहन नहीं भेजी है उसमें पेज वेज भेजे हैं बस फोटो खींच करके, उसमें क्या कैसे सब चीजें सिखानी है, किस बैच में और कब क्या होगा, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है। इनके अलावा बात करते हैं, जैसे एक ये भी फोटो भेजा हुआ था, एक मोटा हाथी झूम के चला, ये वाली जो भी चीजें हैं, और आगे देखिए एक और खेल था, ये बाएं हाथ बाहर निकालो गोल गोल उसे घुमा लो, ऐसे करके चीजें थी। अब आगे चलते हैं और भी चीजें देखो, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है, फिलहाल इन चीजों को हम पीछे छोड़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं। एक ये देखिए कार्यक्रम की आवश्यकता है, महत्व को भी समझाया गया, बढ़िया किताब है, शायद आप लोगों को दी जाए या वहां पर सिखाया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड से जो है यहां पर काशीपुर से हमारी बहन है और सुमन देवी बहन, उन्होंने जानकारी भेजी है और बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनका कहना है ये मनाया है और यहां पर प्रशिक्षण वगैरह 19 में हो गए हैं, ऐसा उनका कहना, तो उनका कहना कि प्रशिक्षण उनके भाई पहले ही हो गया, पता नहीं क्या है। फिलहाल के लिए मेरे पास जब इन्होंने ये भेजा हुआ है, अभी हम बैक करके आपको दिखाते हैं, ये रहा, तो इसमें देखो डेट वेट तो पड़ी नहीं है और देखते हैं आगे क्या चलता है उत्तराखंड में। फिलहाल के लिए इन चीजों का ट्रेनिंग उत्तराखंड में उनका कहना है पहले ही दिया जा चुका है। मीना बहन है, इनका भी कहना है कि उनके वहां पर चौरी चौरा का प्रोग्राम गांव में मनाया गया है, तो वीडियो उन्होंने भेजा है, चलिए हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक ये तस्वीर वहीं से आ रही है, एक ये भी तस्वीर उनके ही वहीं से आ रही है। अब आगे बात करते एक और ये तस्वीर वहीं से, चौरा चौरी का यहां पर जो शताब्दी समारोह टाइप का मनाया गया। अब आगे एक बहन है, इन्होंने क्या लिखा है आप देखिए, हबीबुन्निसा बहन है, केंद्र वगैरह शायद डिघिया वगैरह से पढ़ता है, अमामा वगैरह जनपद रायबरेली है, वहीं से बहन ने कुछ लिखा, योगी आदित्यनाथ जी के 1500 पैसे के बारे में बहन ने जिक्र किया है कि सरकार से जो है अब बहनों का भरोसा पूरी तरह से उठ गया, तो बिल्कुल उठ गया, हम भी जानते हैं आप सब भी जानते हैं। तो अब आगे चलते हैं और भी चीजें बताते हैं आपको, बहन ने कुछ वीडियो भेजे उनको भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं यहां पर, वो अगले वीडियो में आएंगे सुधांशु पटेल चैनल पर, बिहार सरकार का एक सरकारी आदेश 4 फरवरी को दोस्तों कल ही निकला है, और पैनासोनिक के जो मोबाइल है बिहार की बहनों आपके वहां जो आपको दिए गए हैं उनकी सर्विसिंग के संबंध में लेटर जारी कर दिया गया है। तो अब बोला गया कि जितने भी आपके
सर्वेक्षण प्रणाली राज्य के सभी 38 जिलों के अंतर्गत जो भी आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फोन दिए गए हैं उनका सर्विसिंग करवा लीजिए, जिसका अगर किसी का कोई भी खराब है तो ये सब चीजें यहाँ पर बोली जा रही है। तो 6 अंकों के पोस्टल पिन कोड दर्ज वगैरह के प्राप्त किया जा सके, अब ये सब चीजें बताई जा रही है। दिया गया था पैनासोनिक वगैरह का मोबाइल और ये सब देखो परियोजनाओं जिलों विलों के नाम लिखे हैं, इनमें जो जो बहनें हैं वहां से उन सबको जो है अपने अपने फोन अगर वहां पर सर्विसिंग करवानी है, कोई दिक्कत है खराबी है तो वहां पर ठीक कराई जाएगी, इसका निदेशालय से आदेश आया है। इसके अलावा बात करते हैं सेविका नाजनी खातून बहन है दरभंगा बिहार से, उन्होंने ये वाला सरकारी आदेश भेजा था, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा बात करते हैं पीएससी वगैरह हरलाखी में कोरोना का टीका सेविका के साथ जो है यहाँ पर लगा है, सीडीपीओ मैडम को भी प्रवेक्षिका को भी प्रभारी है वो भी देखो यहाँ पर ऐसे उन्होंने अपना फोटो भेजा है। इनके अलावा बात करते हैं अगली हमारे पास जो खबर आ रही फोटो आ रही है, इसमें बहन है उनका कहना है मैं 8वीं पास हूँ भैया, शीला देवी बहन है, और क्या हम जो है यहाँ पर इन चीजों को करें कि प्रमोशन हमारा हो जाए, अप्लाई करें या ना करें। तो बहन हमारा कर्तव्य आपको दिखाना और सब सब बताना, अगर आप देखती हैं अगर ध्यान से सुनती हैं तो आपको खुद ही पता चला होगा हमें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। इन चीजों को लेकर के हमारे पर्सनल आप लोगों को सुझाव की जरूरत नहीं है, आप जो है अब हमारा कर्तव्य है साफ सुथरा बताना, मैं जब बता देता हूं तो आप अपने डिसीजन लीजिए अपने खुद के। अब आगे देखिए यहां पर चीजें आई हैं, एक और जानकारी है जो है शामली वगैरह से जिला वगैरह में यह ट्रेनिंग चल रही है, बहन के वीडियो भी चैनल पर आएंगे। इसके अलावा एक यहां पर शर्मसार करने वाली बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, मैंने बात कह जो है यहां पर की है मैं यहां से कुछ नहीं कर सकता ऐसे करके वहां पर बहन को बोल दिया गया। यह नंबर है वो वाला जो आंगनबाड़ी बहनों को शिकायत के लिए दिया गया था, लाभार्थियों को दिया गया था, किसके लिए कॉल सेंटर टाइप का बनाया गया था, ये कॉल सेंटर वाला नहीं, मतलब फीडबैक लेने के लिए एक नोडल अधिकारियों की टीम टाइप की तैनात की गई थी निदेशालय पर पुष्टाहार का फीडबैक। तो इसमें लाभार्थी समूह वाले आंगनबाड़ी और अधिकारी जो भी जिन लोगों को दिक्कतें हो तो इस पर जो कॉल करें और दिक्कतों का सामना होगा, लेकिन यहां पर कुछ नहीं, सीधा सीधा वहां पर मना कर दिया जाता कि हम यहां से कुछ नहीं कर सकते, अपने ब्लॉक पर जाइए। बताओ ऐसे चलती है भ्रष्टाचारी, किस लिए बनाए गए, सिर्फ दिखावे के लिए ही ना कि अखबारों में छाप दो कि हम सरकार हमारी इतना साफ सुथरी है, यहां पर फीडबैक भी दिलवा रही, लेकिन है क्या, कुछ भी नहीं। आगे आपको बता दे एक ये मेरे पास मैसेज आया सोनभद्र वगैरह से, देवंती वगैरह देवी बहन ने कुछ वीडियो भेजी है, ये वीडियो भी सुधांशु पटेल चैनल पर जल्द आएंगे। वनिता बहन ने टावा वगैरह से वैक्सीन लग गई है, ठीक है अच्छी बात है। आगे चलते एक और मैसेज आया, ये हमारे पास बहन है उनको भी देखो टीका लग गया है, और प्रेमलता बहन है। इनके अलावा बात करते हैं एक और ये बहन है बिहार से सेविका वगैरह शायद जाहिदा खातून, और एक सरकारी आदेश इन्होंने भी भेजा था वो वाला दिखाया जा चुका है। इसके अलावा बात करते हैं एक और मैसेज आया मेरे पास, ये आयशा बेगम वगैरह बहन है, इन्होंने भी कुछ चीजें भेजी है ट्रेनिंग वगैरह के संबंध में, आइए देख लेते हैं ये ट्रेनिंग कहां से है और क्या है। ये बहन पहले देखते हैं कहां से है, साहबगंज वगैरह में है बहन, और कल से इनके वहां ट्रेनिंग शुरू कर दी गई, फिलहाल जिले विले का नाम नहीं लिखा है, साहबगंज वगैरह परियोजना वर्जना में जो भी बहने हैं उन सबके नाम इसमें लिखे गए हैं, और यहां पर दो ये आपका ट्रेनिंग चल रहा है 5 वगैरह तारीख से स्टार्ट होकर के 9 तारीख तक बहन के वहां ट्रेनिंग चल रहा है प्री प्राइमरी का, ये उत्तर प्रदेश से बहन है, सबके नाम इसमें जो है दिए हुए हैं। इनके अलावा बात करते हैं अगला मैसेज आया हमारे पास जो है विकासखंड गुरुसहाय वगैरह जनपद झांसी में पड़ता है, दूध घी का वितरण उनके वहां पर किया गया है, अनिल आर्या जी के द्वारा मैसेज भेजा गया, लेकिन समस्या इतनी बड़ी है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें लाभार्थी और जो भी मोहल्ले के गांव के लोग हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, बहन के वहां जो है उनको कमरे से बाहर नहीं निकलने दे रहे, इन चीजों को लेकर के जब बहन परेशान हो गई बाहर जब निकलने नहीं दे रहे थे, तमाम गाली गलौज ये सब चीजें देखो बहन ने इसमें लिखी भी है, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें उनका कहना है कि यहां पर उन्होंने 112 पर कॉल कर दिया, पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस भी आकर के उल्टे चार बातें सुना करके चली गई कि यहां पर आप कह रहे थे लाठी डंडा हो रहा है, मतलब उनको इंतजार था कि लाठी डंडा हो तभी वो आए और इनको वहां से कमरे से बाहर निकलवाएं। तो ये चीजें हैं आप देख लीजिए, उनका कहना है पुलिस भी आई कुछ नहीं कहती है, हम लोगों को इन चीजों के लिए क्यों परेशान करती हो, ये उनका कहना है। विभाग वाले को सबसे पहले सोचना चाहिए, हमारे सरकारी विभाग वाले अधिकारियों को, लेकिन वो सोचते नहीं है, अपने मौजूदगी में आकर के सुपरवाइजर को अगली बार कहना कि आकर के बंटवाएं, अन्यथा वितरण मत करना, और इसके अलावा आप जो है अगर हो सके तो यह करना अपने वहां डीएम कार्यालय जाइए और उनको बताइए कि हमारी ये परेशानियां आप बताओ हम इनको कैसे दूर करें, या तो आप चलिए हमारे वहां राशन वितरण कराइए, आगे से ही अपने वहां के अधिकारियों को निर्देश करें जितना आएगा जो आएगा हम उसमें से बांट नहीं पा रहे क्योंकि हमें कम मिल रहा है हमारे लाभार्थियों के मुकाबले, अब आप बताओ हम करें तो क्या करें। अब इन चीजों को लेकर जब आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाओगे तो आपके विभाग के छोटे अधिकारी इनके अंदर खलबली मचेगी, डर आएगा कि कहीं ऐसा ना हो ये कहीं ऊपर चली जाए और फिर उसके बाद जो हमारी कार्रवाई हो जाए। अब आगे बात करते हैं रानी देवी बहन, देखो यहां पर इनका भी मैसेज आया झांसी वगैरह से और इन्होंने भी कुछ वीडियो भेजे हैं, सुधांशु पटेल चैनल पर जल्द आएंगे। सीडीपीओ को भी देखो ये बनारस वगैरह में वैक्सीन लग रही है, इसके अलावा आंगनबाड़ी बहन है सुषमा देवी बहन,
इनको भी वैक्सीन लग गया, बनारस वगैरह से हैं। इनके अलावा बात करते हैं, एक और मैसेज आया है, सूरजकली बहन है टिंगना वगैरह से, और उन्होंने भी अपने वहां से बच्चों का ये फोटो भेजा है। इनके अलावा बात करते हैं, एक और मैसेज आया था यहाँ पर, वीडियो जरूर दिखाना, पूनम कुमारी बहन है और बिहार से है, बिहार वाला मैटर मैंने दिखा दिया है। इनके अलावा बात करते हैं, एक और ये मैसेज मेरे पास आया है, साहबगंज वगैरह में प्री प्राइमरी चल रहा है, यहाँ पर आयशा बेगम बहन है, उन्होंने ही एक फोटो भेजा था, ये शायद दोबारा मैसेज लग गया। अजय कुमार भाई है और अनुज के नाम से भी है, इन्होंने शायद दो नाम होंगे इनके, इन्होंने फोटो भेजा है हमें। और इसमें आपको बता दें, इनके द्वारा भेजी गई जो भी जानकारी है, इसमें से एक ये लेटर, स्कूल वाला जो भी डीबीटी के संबंध में आ रहा पोस्टर से जुड़ा हुआ, वो आपको कल यानी आज शाम के वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन यानी भर्ती वगैरह को लेकर के भी, सुपरवाइजर के लिए भी हम शाम को वीडियो ला रहे हैं, तो आप सबसे उम्मीद यही है कि शाम का वीडियो जरूर देखना। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करना, शेयर भी करना, और ज्यादातर कोशिश किया करो कि वीडियो आप चला करके रख दिया करो, अपना काम भी करते जाओ ताकि आपका समय भी बच जाए और